बढ़ते अगली खबरों की तरफ। अकाउंट फ्रीज मामले में कांग्रेस ने आईटेट के समक्ष दलील रखी। आईटेट ने कांग्रेस को डिस्प्यूट सेटल होने तक अकाउंट को ऑपरेट करने की इजाजत दी है। इस मामले में आईटेट अगली सुनवाई बुधवार को करेगा। इसमें कांग्रेस ने कहा कि 2018-19 में हमें 198 करोड़ मिले, जिसमें हमने 197 करोड़ खर्च किया। उस पर हमसे आईटी वाले 115 करोड़ का टैक्स मांग रहे हैं। कांग्रेस ने कहा हमने जायज टैक्स पहले ही दे रखा है। बता दें कांग्रेस नेता अजय माकन ने सरकार पर कांग्रेस से यूथ कांग्रेस के खाते फ्रीज करने का आरोप लगाया। वहीं अकाउंट फ्रीज को लेकर दिल्ली यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रेवाड़ी में एम्स समेत 9,750 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर पीएम मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम ने कहा लोकतंत्र में सीटों का महत्व है, लेकिन मेरे लिए जनता का आशीर्वाद बहुत बड़ी पूंजी है। हर कोने से भारत को शुभकामना मिलती है, वो सम्मान सिर्फ मोदी को नहीं हर भारतीय का है। पीएम ने कहा जो नहीं चाहते थे राम मंदिर बने वो भी जय सिया राम बोलने लगे। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी रेवाड़ी से पहले आज राजस्थान को 17,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को होगा। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को धार देने के लिए अधिवेशन को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी अधिवेशन का समापन भाषण देंगे। अधिवेशन में देशभर से करीब 11,500 बीजेपी नेता हिस्सा ले रहे हैं। अधिवेशन में चुनावी प्रचार की रूपरेखा तय की जाएगी और सामूहिक रूप से संदेश भी दिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में दाखिल हो चुकी है। यात्रा में प्रियंका गांधी को आज शामिल होना था, लेकिन अब वो अमेठी और रायबरेली में राहुल गांधी के साथ शामिल होंगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का यूपी में रूट परिवर्तित भी किया गया है। यात्रा कानपुर पहुंचकर स्थगित कर दी जाएगी और उसके बाद राहुल गांधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आज यात्रा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा किसानों को सही रेट नहीं मिलता, किसानों की जमीन हड़पी जा रही है। तो बिहार के बाद राहुल गांधी की न्याय यात्रा अब यूपी में दाखिल हो चुकी है। अमेठी में 19 तारीख को अखिलेश यादव साथ देंगे। और बड़ी खबर ये भी है कि कानपुर में यात्रा को स्थगित किया जाएगा।